आपने कई बार अपने घर की दीवार पर छिपकली यानी लिजर्ड को रेंगते हुए देखा होगा। कई लोगों को इससे काफी डर भी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवार पर रेंगने वाली ये छिपकली और इसकी प्रजातियां कितनी बड़ी और खतरनाक हो सकती हैं? आइए जानते हैं दुनिया की 10 बड़ी और खतरनाक छिपकलियों के बारे में। नंबर 1, हिला मॉन्स्टर। हिला मॉन्स्टर की ये प्रजाति अमेरिका के एरिजोना, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ये छिपकली काफी जहरीली होती है। इसकी लंबाई 2 फीट तक होती है और ये आमतौर पर धीमी गति से चलती है। अगर इसकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इसका सिर और गर्दन काफी लंबे होते हैं। ये ज्यादातर काले, गुलाबी, पीले और नारंगी पैटर्न की होती है। गर्म मौसम के दौरान ये छिपकली छोटे स्तनधारियों यानी मैमल्स, पक्षियों और अंडों के शिकार पर जिंदा रहती है। नंबर 2, स्नैपिंग टर्टल। छिपकली की ये प्रजाति देखने में कछुए की तरह लगती है। इनका शरीर काफी सख्त और पत्थर की तरह होता है। ये प्रजाति कनाडा, मेक्सिको की खाड़ी और मध्य टेक्सास तक पाई जाती है। स्नैपिंग टर्टल के पैर बड़े और तेज धार नाखूनों वाले होते हैं। ये सख्त से सख्त चीज को बड़ी आराम से फाड़ सकती है। आमतौर पर इसकी औसत लंबाई 28.5 सेंटीमीटर और इसके कवच की लंबाई 22.5 सेंटीमीटर तक होती है। छिपकली की इस प्रजाति को खारे पानी में रहना पसंद होता है। नंबर 3, मैक्सिकन बीडर्ड लिजर्ड। मैक्सिकन बीडर्ड लिजर्ड नाम की ये छिपकली बहुत जहरीली होती है। ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको के रेगिस्तान में पाई जाती है। इसकी बॉडी काफी शक्तिशाली होती है। इस छिपकली के दांत बहुत जहरीले होते हैं। इसके काटने पर असहनीय दर्द होता है, जिससे किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। नंबर 4, टूके गैको। टूके गैको छिपकली की एक ऐसी प्रजाति है जिसके शरीर पर छोटे छोटे रंग के धब्बे होते हैं। टूके गैको के पैरों की बनावट उसे सतह पर आराम से चिपकने और तेजी से भागने में मदद करती है। इसका शरीर भूरा और लाल रंग का होता है। ये छिपकली भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाई जाती है। नंबर 5, अर्माडिल्लो गर्डल। इस छिपकली को आमतौर पर अर्माडिल्लो लिजर्ड भी कहा जाता है। इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इस छिपकली की एक खासियत ये है कि खतरा महसूस होने पर ये खुद को रोल करके बॉल का आकार ले लेती है। अर्माडिल्लो गर्डल का रंग हल्का भूरा या गहरा भूरा होता है। नंबर 6, स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड। इस छिपकली के बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड शाकाहारी होती है। हालांकि कभी कभी भूख मिटाने के लिए ये छोटे कीड़ों और जानवरों को खा लेती है। स्पाइनी टेल्ड पहाड़ी और चट्टानी इलाकों में पाई जाती है। ये छिपकली वनस्पति चीजों के साथ जीवन बिताती है। ये अपना ज्यादातर समय धूप में बिताती है। स्पाइनी टेल्ड खतरा महसूस होने पर जमीन में बने चैम्बर में छुप जाती है। इसका आकार 25 सेंटीमीटर से 91 सेंटीमीटर या इससे भी ज्यादा हो सकता है। नंबर 7, द इगुआनस। इगुआनस देखने में छिपकली की एक अनोखी प्रजाति है। इसकी शारीरिक बनावट बहुत अलग और खतरनाक होती है। इसके शरीर के ऊपर एक कतार में कांटों की नुकीली बनावट होती है। हरे और पीले रंग की ये छिपकली अमेरिका में पाई जाती है। इसके शरीर में जहर निकालने वाली ग्रंथियां होती हैं। इसके दांत तेज धार वाले होते हैं। अगर कोई इसे छेड़ने की कोशिश करता है तो ये उसके चेहरे, उंगलियों और कलाई को गंभीर रूप से चोटिल कर सकती है। लेकिन इगुआनस की एक खासियत ये है कि इसे पालतू बनाया जा सकता है। नंबर 8, ट्री क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल मॉनिटर। ट्री क्रोकोडाइल नामक प्रजाति मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये किसी भी पेड़ पर आराम से रहने के लिए मशहूर है। ये काले, हरे, पीले और सफेद रंग की होती है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे लंबी छिपकली में की जाती है। इसकी औसत लंबाई 244 सेंटीमीटर यानी 8 फीट तक होती है। ट्री क्रोकोडाइल पानी और जमीन दोनों जगह पर आराम से रह सकती है। लंबाई और ज्यादा वजन होने की वजह से ये काफी आक्रामक होती है, इसलिए इससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 9, एशियन वाटर मॉनिटर। इस छिपकली को कॉमन वाटर मॉनिटर भी कहा जाता है, जो आमतौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया के बैंकॉक और थाईलैंड में पाई जाती है। यह देखने में काफी हद तक मगरमच्छ की तरह लगती है। एक वयस्क एशियन वाटर मॉनिटर की अधिकतम लंबाई 4.9 से 6.6 फीट होती है। हालांकि श्रीलंका में इस छिपकली की अधिकतम लंबाई पर रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें इसकी औसत लंबाई 10.5 फीट आंकी गई है। ये कोमोडो ड्रैगन के बाद दूसरी सबसे बड़ी छिपकली की प्रजातियों में से एक है। ये अपने बड़े बड़े नाखूनों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती है। एशियन वाटर मॉनिटर को पानी में रहना काफी पसंद होता है।
इसलिए यह नदी के किनारे या फिर झीलों में गड्ढा खोदकर अपना घर बनाती है। नंबर 10, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन नामक शिपकली की प्रजाति इंडोनेशिया रिंका फ्लोरिस में पाई जाती है। ये शिपकली आकार में बहुत बड़ी होती है। कोमोडो ड्रैगन शिपकली बहुत ही खतरनाक और जहरीली होती है। इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी बड़ी सी जीभ होती है। कोमोडो ड्रैगन अपने खतरनाक घुमावदार दांतों और जहरीली जीभ के जरिए शिकार करती है। इसकी एक खासियत ये है कि ये छिपकली गंध मात्र से अपने शिकार का पता लगा लेती है। कोमोडो ड्रैगन दिखने में बिल्कुल पत्थर की तरह लगती है, जिसकी वजह से कई बार जानवर धोखे में इसका शिकार बन जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।